वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपेयर सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्लपूल डबल डोर फ्रिज है ये मास्टरमाइंड, और इसमें ये इसका स्पेसिफिकेशन आप देखिएगा। और इसमें जो फॉल्ट आया हुआ है कि जो नीचे रेफ्रिजरेटर सेक्शन है, रेफ्रिजरेटर सेक्शन में इसमें कूलिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, और अंदर पानी भी गिर रहा है फ्रिज के। तो आज इसी फॉल्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें इसकी डक्टिंग खोलनी पड़ेगी, ये सामने फ्रंट पे जो लगी हुई है। तो हमने इसके स्क्रू तो पहले ही खोल रखे हैं, तो हम इसको पुल करके अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये डक्टिंग हमारी खुल जाएगी। अगर आसानी से ना खुले तो आप किसी स्क्रू ड्राइवर या किसी भी चीज़ से अपनी तरफ को पुल करें तो ये आराम से बाहर आ जाएगी। अगर इसमें पीछे आइस जमी हुई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, अदरवाइज़ ईजिली बाहर आ जाती है। तो ये हमने इसको निकाल लिया, बाहर खोल लिया है। इस फैन के जैक हम इसमें यहाँ से हटा देंगे, ये दोनों फ़ैन के जैक लगे हुए हैं, हमने बाहर निकाल दिए हैं थिम्बल। और चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से नीचे कूलिंग नहीं कर रहा है और ये इसमें अंदर पानी गिरने की समस्या भी आ रही है। तो ये इसकी कूलिंग कॉइल सामने लगी हुई आप देख सकते हैं, और कूलिंग कॉइल के नीचे जो देखिएगा आप, ये सारी आइस जम गई है। ये देखिए कूलिंग कॉइल के नीचे जो सारी आइस है, इसने सारा सेक्शन यहाँ से ब्लॉक कर दिया है आइस जमने के कारण। और इसमें जो यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई है पूरी, जिसके कारण से जो इसकी ड्रेन के ऊपर जब बर्फ़ जम गई तो पानी पीछे जाने की जगह अंदर गिर रहा है और फ्रिज में कूलिंग लेस हो गई है। ये प्रॉब्लम जो आती है जनरली डिफ्रॉस्ट टाइमर ख़राब होने की वजह से आती है, और उसकी टाइमिंग आउट हो जाती है जिसकी वजह से हीटर प्रॉपर काम नहीं करता है। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी आइस गर्म पानी से मेल्ट कर लेंगे, जितनी बैक साइड में आइस है कूलिंग कॉइल के नीचे। और इस आइस को गर्म पानी से हम मेल्ट करेंगे सबसे पहले, और इसके साथ साथ हमें जो इसकी आगे वेंट है फ्रिज की, वहाँ पे भी हमें गर्म पानी डालना है। तो हमें दोनों चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी इसकी पहले, पार्ट चेंज करने से पहले। तो इसके लिए ये इसकी वेंट है यहाँ पर, इसे हम खोलेंगे ऊपर करके, लॉक इसके हटाएंगे तो ये आराम से लॉक हटने के बाद ऊपर से निकल आएगी बाहर को। तो ये हमने इसकी जो है वेंट बाहर, वेंट का कवर खोल लिया है, और इसको देख सकते हैं आप नीचे कितना इसमें गंदगी भरी हुई है अंदर। और आप देख सकते हैं कि सारा पूरा जो इसमें यहाँ नीचे तक आइस आ गई है हीटर प्रॉपर ना चलने की वजह से। तो इसे भी हम यहाँ से क्लीन करेंगे पूरा, ये सारी जो है गर्म पानी से हम साफ़ कर लेंगे जितना भी यहाँ पर गंद है, और ये जो एरिया है हमें पूरा क्लीन करना है सारा। तो गर्म पानी जिसमें जब तक हम डालेंगे, जब तक ये पूरा सारा हिस्सा क्लीन ना हो जाए और इसके जितने भी वेंट है सारे ओपन ना हो जाएं और इसकी ड्रेन जो है पूरी तरीके से खुल ना जाए जब तक, तो जब तक ये प्रोसेस हमें करते रहना है जब तक पूरी ड्रेन क्लीन ना हो जाए, ये वेंट पूरे क्लियर ना हो जाए सारे। तो इस काम को करने के बाद जब भी आप यहाँ पर इसमें वेंट में पानी डालेंगे तो आपको नीचे से यहाँ से शोक होगा पानी गिरता हुआ, ये नीचे की वेंट है तो यहाँ से आपको पानी गिरेगा, और ड्रेन क्लीन होने के बाद वो सारा पानी बैक साइड में जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पर जो है पानी जब तक डालते रहिएगा गर्म पानी, जब तक ये पूरा क्लीन ना हो जाए, दोनों ऊपर की वेंट, नीचे की वेंट और ड्रेन वाला सेक्शन, तीनों चीज़ें क्लीन होनी चाहिए और तीनों क्लियर होनी चाहिए एकदम, तभी जो है पार्ट चेंज करने का बेनिफिट है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम दोबारा शो हो जाएगी। तो इसके लिए हम ये नीचे आप देख सकते हैं, ये इसके नीचे की जो है रेफ्रिजरेटर सेक्शन में लगा हुआ है ये, इसको हम नीचे की तरफ पुल करेंगे। तो यहाँ से ये इसका बल्ब खोल लेंगे हम, इसमें जो इसका टाइमर लगा हुआ है वो इसी सेक्शन में लगा होता है जो कि दो स्क्रू पे टाइट होता है, एक ये स्क्रू है इसे खोलेंगे, और इसके बाद ये राइट हैंड में एक स्क्रू है उसे खोलेंगे। तो जब ये हमारी इसका फ्रेम बाहर आ जाएगा तो इसके बैक साइड में हमें जो थर्मास्टेट देखने को मिलेगा इसका, और इसका डिफ्रॉस्ट टाइमर यहाँ बैक साइड में लगा हुआ हमें मिलेगा। तो इसमें से हमें जो इसका थर्मास्टेट है वो तो इसका ठीक है,
इसके लिए हमें इसका डिफ्रॉस्ट टाइमर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आइए इसको खोलते हैं। दूसरा स्क्रू भी हमें खोलना है। तो मोस्टली जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें जो टाइमर होता है बैक साइड में लगा होता है, बट ये वर्लपूल का फ्रिज है, एक शार्प का फ्रिज हो गया, इनमें जो है टाइमर आपको अंदर देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रोलक्स का भी एक मॉडल है जिसमें पीसीबी अंदर लगी होती है। तो ये इसमें देखिएगा आप, ये जैक सामने लगा हुआ है, हमें इसको जैक को खोलना है सामने से। तो ये हमारा पूरा फ्रेम बाहर आ जाएगा निकल के, ये टाइमर लगा हुआ है इसका। तो हमने जैक यहाँ से निकाल दिया है, अब इसको पूरे फ्रेम को सहित हम पूरा बाहर इसको ले आएंगे, जिससे कि हमें काम करने में आसानी होगी। तो हमने बाहर निकाल लिया है पूरा टाइमर कवर के साथ। अब हम इसे रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह नया लगाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे इसमें एक स्क्रू से ये टाइमर कसा हुआ है। हम ये स्क्रू खोलेंगे तो हमारा टाइमर इजीली खुल जाएगा। ये हमारा टाइमर यहाँ से खुल के बाहर आ गया है, और अब हम इसमें नया टाइमर रिप्लेस करेंगे। तो ये रहा हमारा नया टाइमर। और टाइमर चेंज करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप पार्ट चेंज करें तो जेन्युइन स्पेयर का ही यूज़ करें। जेन्युइन स्पेयर यूज़ करेंगे तो आपको रिपीट कॉल से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, रिपीट कॉल नहीं आएगी आपकी, क्योंकि अगर आप लोकल पार्ट लगाएंगे तो वो आपको दोबारा परेशान कर सकता है। तो इसलिए जेन्युइन पार्ट ही इस्तेमाल करें जब भी फ्रिज रिपेयर करें। तो ये हम इसमें वर्लपूल का जेन्युइन टाइमर लगा रहे हैं। तो इसके सारे वायर हमने कनेक्ट कर दिए हैं। वायर कनेक्ट करने के बाद हम इसको जो हीटर से आगे करेंगे हल्का सा हीटर मोड से, और इसको वापस टाइमर को वहीं पर जहां से हमने खोला था वहीं लगा देंगे। तो हमने ये जो नया टाइमर यहाँ पर लगा दिया है, अब इसके बाद हमें ये पूरा फ्रेम जैसे हमने खोला था वैसे ही उस जगह पर फिट करेंगे जहाँ से हमने खोला था। टाइमर को अच्छे से टाइट कर दें ताकि हिले नहीं बिल्कुल भी। तो आइए लगाते हैं इसको। ये हम यहाँ पर सबसे पहले इसका जैक जो है जैक लगाएंगे हम। ये जैक हमने लगा दिया है, और अब इसका जैसे हमने खोला था बिल्कुल वैसे ही स्क्रू को देखेंगे कि जहाँ पर स्क्रू एकदम फ्रेम जो बना वहीं पर फिट करें एकदम। और ये इसके बाद दोनों स्क्रू हम इसमें टाइट कर देंगे इसके। तो इस तरीके से आप इसका टाइमर रिप्लेस करेंगे। वर्लपूल का टाइमर स्क्रू लगाने के बाद हम इसका जो हमने बल्ब खोला था बल्ब फिट कर देंगे बिल्कुल वैसे जैसे बल्ब खोला था हमने। और बल्ब लगाने के बाद इसके बल्ब का कवर था वो भी वैसे ही हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो वर्लपूल का जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर थर्मोस्टेट का हमने 4 या 5 पर सेट कर दिया है। आप देखेंगे कि हमने गर्म पानी से सारी आइस जो है यहाँ की मेल्ट कर दी है, और ये सामने आप ड्रेन का होल देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आपको शो दिखेगा यहाँ पर। और ये पूरा जो कूलिंग कॉइल के नीचे का हिस्सा हमने सारा आइस जितनी थी सारी मेल्ट कर दी है गर्म पानी से, और पूरा हिस्सा क्लीन कर दिया है। ये देखिए पूरी एकदम बेस इसका क्लीन कर दिया है एकदम, आपको ड्रेन एकदम क्लियर दिखेगी।
और ये इसकी वेंट भी हमने पूरी साफ़ कर दी है, ये देखिए। और अब हम इसमें जो है फ़ैन के थिंबल लगा देंगे, फ़ैन मोटर के डक्टिंग में, और डक्टिंग वापस पीछे की तरफ फिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है ये जो फॉल्ट था रिमूव करेंगे। और आज की वीडियो में आपके लिए हम इतना ही बताएंगे, तो इससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो पानी अंदर गिरना भी बंद हो जाएगा और जो नीचे की जो कूलिंग है वो भी प्रॉपर आएगी एकदम, और आपकी डिफ्रॉस्टिंग वाला फॉल्ट भी क्लियर हो जाएगा इसमें, और बाकी कस्टमर को कूलिंग भी एकदम सेटिस्फैक्ट्री मिलेगी इससे। और जो सामने जो नॉब लगी हुई है इसमें रेफ्रिजरेटर फ्रीजर सेक्शन में, इसको आप राइट हैंड पे पूरा मूव कर देंगे पैक करने से पहले, तो इसमें नीचे की कूलिंग भी प्रॉपर एकदम आएगी और आपका जो फॉल्ट है वो पूरा रिमूव हो जाएगा, पानी अंदर नहीं गिरेगा फ्रिज के, और डिफ्रॉस्टिंग भी टाइम से होगी अगर आप इसका टाइमर वगैरह सारा चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये इसकी वेंट भी लगा देंगे लास्ट में हम। तो ध्यान रहे जो जो चीज़ जहाँ से खोलेंगे आप उसको भी इसी तरीके से लगा दें बाद में। तो इस तरीके से हमारा ये फॉल्ट रिमूव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।